भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से कई मार्गों पर आवागमन बंद हो गया है, जिसके चलते आमजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगह नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। मूसलाधार बारिश के कारण देवास में नदी नाले उफान पर हैं। नेमावर में नर्मदा का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हाईवे मार्ग पर स्थित ग्राम मोखापिदिया की काली सिंध नदी बारिश के चलते शुक्रवार रात्रि 10:30 बजे से उफान पर है, जिसके कारण इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे व खातेगांव सतवास मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। नदी उफान पर होने से नदी के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। अभी तवा डैम के और बरगी डैम के गेट खुले हैं, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी 887 फीट हो गया है और हमारा पूरा जो नगर पालिका नेमावर का पूरा अमला अलर्ट है, और जनपद का जो GRS सचिव अपने पटवारी और कोटवारी ये सब ग्रामीण क्षेत्र में जो नर्मदा नदी के किनारे हैं उन गाँव में सभी अलर्ट है, और जो यहाँ पर तैराक वगैरह उनके सब अलर्ट कर सकता है, और पूरी रेस्क्यू टीम भी पूरी अलर्ट है। मोड़ आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अभी नेमावर में हम नगर परिषद की ओर से निचली बस्तियों में अनाउंस करवाए हैं कि आप सभी मुस्तैदी के साथ प्रशासन लगा हुआ है और सभी को हिदायत दी जा रही है कि आप अपने भोजन सामग्री एक एक समय का भोजन बनाकर रखें, और अपने सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हमने ट्रैक्टर की व्यवस्था भी वहां पर पहुंचा दी है। ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से जो नेमौर के राहत शिविर हमने बनाए हैं, कुछ सामाजिक धर्मशाला स्कूल जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ में हमारे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था पर हम नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो निचली बस्तियाँ जहाँ पानी भरने की संभावना है वहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी से मुनादी करवा दी गई है। पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं हर जगह पर जहाँ रफ्तों पर पानी है, लोगों को हिदायत दे दी गई है। और जैसे कि तवा डैम के गेट खुले हुए हैं, 12 गेट खुले हैं 9 फीट के, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Sathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।